ये देखो, ये है हमारा असली तरीका। अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पुचका बनाना, तो आप लोग देख सकते हैं ये, इसका आवाज मैं आप लोगों को पहले सुना दूं। देखो ये देखो, आवाज सुनो इसका, और साइज आप लोग देखो, ये देखो क्रिस्पी क्रंची बना। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं तो हलवाई से आज के बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हलवाई आप लोगों से खुद पूछेंगे कि कैसे बनाए आप घर बैठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शानदार वीडियो में। दोस्तों आप लोग अगर हलवाई से पूछ पूछ के परेशान हो गए हैं, तो आज अपने घर पे बनाना शुरू करो। और बिल्कुल हलवाई तुमसे पूछेगा कि कैसे बना लिया और कैसे सीख गए और कैसे इतना बढ़िया बनाए। जो मैं तरीका, जो तरीके से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये तरीके से आप लोग अगर बना लिए ना, कसम से हलवाई आपसे अगर नहीं पूछा कि कैसे बनाए इतना बढ़िया, तो जो बोलो हार जाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ। चलो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगा हर चीज। आप लोग सिर्फ वही काम करना जो मैं तरीका बता रहा हूँ, वही तरीके से बनाओ, और बिल्कुल एकदम बाजार जैसे, क्या एकदम एकदम परफेक्ट ही बनेगा। बिल्कुल मेरे जैसा, ऐसा जबरदस्त एकदम परफेक्ट, जो बोलते हैं ना परफेक्ट, वैसा बनेगा। क्रिस्पी करंची एकदम कड़क, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगा। चलो मैं बनाना शुरू कर। देखो हम सबसे पहले लेंगे अपना, देखो ये हमारा है बारीक सूजी। ये बारीक सूजी पहले 1 गिलास लेंगे बारीक सूजी। उसके बाद अब मिलाएंगे इसके अंदर 1 गिलास गेहूं का आटा। ये गया बारीक सूजी, उसके बाद 1 गिलास गेहूं का आटा। अब आ गया देखो हमारा 1 गिलास गेहूं का आटा। अब मिला लेंगे दोनों को। ये आ गया 1 गिलास गेहूं का आटा। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। ये हिसाब से देखो, हम पहले एकदम बढ़िया एकदम अच्छे से मिला लेंगे, ताकि एकदम बढ़िया मिक्स हो जाए। उसके बाद ये तरीके से देखो, मिलाने के बाद हम इसका लगाएंगे आटा। ये हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अब इसका हम नॉर्मल पानी से आटा लगा लेंगे। अब देखो हम पहले सब मिलाने के बाद, अब इसमें नॉर्मल पानी से अपना आटा लगा लेंगे, हमारा तरीका। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं मेरे जैसा पानी पूरी बनाना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका भी। ये हिसाब से बनाओ देखो, ये सब पूरा सामान मिलाने के बाद इसमें अब जो भी है, सिर्फ नॉर्मल पानी से आटा लगा लेने का, अच्छा एकदम बढ़िया। और रोटी के आटे से थोड़ा कड़क आटा लगाना है, ताकि बढ़िया और एकदम फर्स्ट क्लास बने। देखो यह हमारा असली तरीका गोलगप्पे का आटा लगाने का। अगर ये हिसाब से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट, एकदम 100% गारंटी है कि मतलब मेरे जैसा ही बनेगा आपका भी। लेकिन सिर्फ तरीका जो मैं बता रहा हूँ, वो तरीके से और बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि हर चीज पता चले कब क्या करना है। ये हिसाब से आटा लगा के खूब अच्छे से एकदम मसल के, उसके बाद चेक कर लेना, उसके बाद ही पानी मिलाना इसके अंदर। अगर एक एक बार से ज़्यादा डाल दिए तो पूरा, थोड़ा भी अगर नरम हुआ तो पूरा ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा जैसा लगे वैसा ही पानी डालो, ताकि एकदम अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास बने। ये हिसाब से आटा लगा लेने का है, और पानी जितना लगे बाद में ऊपर से थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, लेकिन एकदम से बिल्कुल नहीं डालना। अगर एकदम से डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी। और इसमें पानी तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, रोटी के आटे से थोड़ा टाइट रहेगा इसका आटा, ताकि एकदम अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास बने। और ये हिसाब से ही बनाओ, जब तक ये हिसाब से बनाएंगे नहीं, जब तक कभी नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और आप लोग अगर नया नया बना रहे, तो सबसे अच्छा
कपड़े पे रखने के बजाय पन्नी के ऊपर बेल के रखे ताकि एकदम नरम रहे और बढ़िया फूली फूली करारी करारी बने। मैं आपको अभी रखने का बताता हूँ क्या वजह है, उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा। उससे अच्छा आप लोग कभी भी पन्नी पे रखो ताकि एकदम अच्छा और बढ़िया बने। अभी ये देखो हमारा आटा लगने लगा के हो जाएगा अब रेडी। ये देखो हमारा लगने वाला हो गया। अभी इसको हम भर के रख देंगे और कम से कम इसको 15-20 मिनट छोड़ देंगे ताकि अच्छा सेट हो जाए, उसके बाद फिर इसका पेड़ा बनाएंगे। देखो अभी इसको हम छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट। अब देखो ऐसी छोटी सी एक कैरी बैग लेना, लेने के बाद क्या करना है उसके अंदर इसको डाल के उसमें रख देना कि ताकि एकदम अच्छा सेट हो जाए और सूखे भी ना। अब इसमें भर के हम रख देंगे ये हिसाब से, और इसको अब कम से कम 20 मिनट 15-20 मिनट। देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:45 बज रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब निकालूंगा जब। अब आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, जब रखा था कितना टाइम हो रहा था, अब निकालने जा रहा हूँ। देखो अब इसको निकाल के हम मसलेंगे, उसके बाद बनाएंगे पेड़ा। यह है हमारा असली तरीका, मैं जो आप लोगों को बताता हूँ कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा मान के चलो, उसके बाद हम इसको अच्छे से ये हिसाब से देखो ऐसा मसल लेंगे ताकि अच्छा एकदम बढ़िया कि आटा एकदम अच्छा साफ हो जाए। उसके बाद देखो जो भी, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं गोलगप्पे वाले बनाते कैसा है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगा कि एकदम गोलगप्पे वाले जैसा ही बनेगा। कि ये नहीं कि मतलब कैसा बनाते क्या डालते ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है एकदम रियल है, एकदम ऑल टोटल जो भी बताया हूँ इसमें जैसा मैं बनाता हूँ सेम वैसा ही बताया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, ऑल टोटल मेरे जैसा ही बनेगा। लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो तरीके से बनाओ और वो तरीके से रखो और उसके बाद वो तरीके से फ्राई करो, और इसको बेलने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा बहुत एकदम अच्छे से ढक के बढ़िया से उसके बाद रख दो ताकि एकदम ये बाद में फ्राई करो क्रिस्पी करंची बने। देखो हमारा हो गया ये मसल के, अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तरीका हमारा आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ ये तरीके से बनाओ बिल्कुल अच्छा एकदम परफेक्ट ही बनेगा। देखो हम लोग इसको बेल के नहीं काटते हैं, पहले इसको इसका पहले पेड़ा बना के उसके बाद ही बेलते हैं। देखो ऑल टोटल एक एक चीज आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ ध्यान से देखना ताकि एकदम अच्छा पता चले। ये हिसाब से देखो हर चीज एकदम बढ़िया से ध्यान से देख के उसके बाद बनाओ ताकि मेरे जैसा ही बने एकदम परफेक्ट। अब देखो ये हमारा पेड़ा बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, पहले पेड़ समझो पूरा हम काट के ले लिए ऐसा कैरी बैग में, देखो ऐसा पन्नी में वापस भर के रख दिए ताकि सूखे ना। अब उसके बाद देखो ये है हमारा पेड़ा बनाने का तरीका। ये तरीके से अगर आप लोग थोड़ा भी सोच रहे हैं कि गोलगप्पे वाले कुछ पाउडर या कुछ मिलाते हैं, तो मैं तो आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलाया 10-12 साल के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगे कि मिलाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बस अपना अपना सोच आदमी का। बाकी ये जो भी है तरीका मैं बताऊँ बहुत आसान और बहुत घर पर, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि घर बैठे पानी पूरी गोलगप्पा बनाना सीख जाऊँ, तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। ये हिसाब से देखो मैं आप लोगों को पेड़ा बनाने के बाद उसमें क्या मिलाऊंगा वो भी दिखाऊंगा, सिर्फ ध्यान से देखना ताकि आपको हर एक चीज पता चले क्या क्या डालना और क्या क्या मिलाना है। अब आप लोग देख सकते हैं देखो ये हमारा पेड़ा बनाने के बाद, अब इसके अंदर मिलाऊंगा मैं गेहूं का आटा अपना, ये गेहूं का आटा दूसरा कुछ नहीं मिलाऊंगा। देखो अब इसके अंदर मारूंगा थोड़ा सा, ये देखो गया थोड़ा सा गेहूं का आटा, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का ऐसा मिला लेंगे। ये हिसाब से इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि एक दूसरे को चिपके ना। ये देखो तरीका ये है जो भी है,
अगर ये हिसाब से आप लोग भी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम फुली फुली करारी करारी ही बनेगी। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब तक आप लोग ऐसा बिल्कुल ध्यान से नहीं करेंगे जब तक बिल्कुल नहीं बनेगा। अब उसके बाद देखो, अब ये मिलाने के बाद हम ऐसा पलट के रख देंगे ये करी बैग के अंदर। ये हमारा असली तरीका, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। और उसके बाद अब जो बेलने का तरीका हमारा, मैं आप लोगों को दिखा दूं। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बेलने का तरीका कुछ ऐसा है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पुचका पानी पतासा बनाना, तो ये हिसाब से अगर आप लोग भी बेलेंगे, बेल के रखेंगे कोई भी, देखो बहुत सारे वीडियो हैं लेकिन बहुत बहुत कम वीडियो है कि यूट्यूब पे कि मतलब जो बताए अच्छे से कि मतलब क्या मिलाना और कैसा रखना है, कोई भी नहीं बताते। सिर्फ बस कोई क्या बोलते हैं गीले कपड़े पे रखो, कोई बोलते हैं सूखे कपड़े पे रखो। लेकिन जो तरीका अगर आप लोग भी गोलगप्पे वाले से सीखना चाहते हैं कि गोलगप्पे वाले, देखो हमारा जो तरीका है आप लोगों के सामने है, हम लोग कैसा बेल के रखते हैं और कितना बड़ा कपड़ा है और कितना चौड़ा है, ऑल टोटल आप लोगों के सामने। अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। लेकिन देखो जो भी है कितना बड़ा कपड़ा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है कि मतलब हाँ कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर ये हिसाब से करेंगे और तरीका हमारा बेलने का देखो, ऑल टोटल अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो अभी तक हमारा कितना बेला गया है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बनाने के लिए नहीं, मैं हम लोग पानी पूरी का कारोबार ही करते हैं, हमारा बिजनेस ही पानी पूरी का है कि मैं सिर्फ, ये देखो हमारा ये 2400 पूरी बन रही है, ये हमारा 6 किलो आटा पूरा ऑल टोटल है जो है, 6 किलो आटे में 2400 पूरी हमारी बन के रेडी होगा। ये हमारे 2 गाड़े के पानी पूरी अभी तक हमारा देखो बन रहा है अभी तक। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ पानी पूरी बनाने का कैसे बनता है, तो बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपका भी बिल्कुल मेरे जैसा बनेगा। मैं आप लोगों को अभी फ्राई करूँगा, दिखाऊँगा कैसा बन रहा और कैसा नहीं बन रहा। कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना भाई, जो भी मेरे माताएं बहनें देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना अच्छा बन रहा है ख़राब बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हमारा पूरा बेलने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, पूरा ऑल टोटल आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पूरा ऑल टोटल 2400 पूरी हो गई। अब इसको हम ढकेंगे क्या हिसाब से आप लोगों के सामने है। देखो ढकने के बाद हम इसको कैसा पलटेंगे वो भी दिखाऊँगा आज आप लोगों को, अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा पता चल जाएगा क्या करना है। देखो ये पहले सूखे कपड़े से ढक दिए, उसके बाद इसके ऊपर एक आया थोड़ा सा गीला कपड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कच्चा है ये। उसके बाद अब इसको पलटने का तरीका देख लो आप लोग, ये हिसाब से एक पटरी नीचे और एक पटरी ऊपर। उसके बाद देखो ये हिसाब से ये जाएगा नीचे ऊपर का और ऊपर का आएगा नीचे, ये देखो ये चला गया नीचे। और ये पहले जो गिल्ला कपड़ा हम लगाए थे ये देखो पूरा ये एकदम सूख गया, ये पहले गिल्ला कपड़ा था। देखो अब पलटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है कितना आप लोगों के सामने है। यह हिसाब से आप लोग भी करें ताकि एकदम बिल्कुल फुली फुली करारी करारी बने। चलो मैं आप लोगों को आप फ्राई करके दिखाता हूँ कैसा एकदम बन रहा है। दोस्तों अब आप लोगों को मैं फाइनल दिखाने जा रहा हूँ हमारा पानी पूरी जो फ्राई करने का है, वो देखो आप शुरू हो गया है हमारा तरीका, देख आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग ऐसा देख सकते हैं कितना सारा एकदम से फ्राई होके निकल रहा है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी फ्राई कैसे करना है और कैसे बनाना है, तो आपको सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देखना, उसके बाद फ्राई करना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ही बनेगा, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ कि आप लोग सिर्फ एक बार देखो उसके बाद बनाओ, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। आप लोगों को दिखा दूँ, देखो ये हिसाब से अगर आप लोग भी फ्राई करेंगे तो बिल्कुल मेरे जैसा ही ज़बरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा।
बिल्कुल ही आसान तरीका है, ये हिसाब से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त ऐसा ही बनेगा। लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार देखो ताकि एकदम मेरे जैसा बने क्रिस्पी करंची। ये देखो जो हमारा फ्राई होके आ रहा है कैसा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये हिसाब से जब तक आप लोग सही से देखेंगे नहीं और बनाएंगे नहीं जब तक बिल्कुल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग अगर मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, मेरा फेसबुक पेज है अभिषेक पानीपुरी रेसिपी वीडियो। नमस्कार।